भारतीय जनता पार्टी, तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड पार्टी की गठबंधन की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एनडीए की इस बार की सरकार में 7 ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो पहले किसी न किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 1, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी 2001 से लेकर 2013 तक गुजरात के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 2, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह सन 2000 से लेकर 2002 तक उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 3, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान मल्टीपल टाइम्स मध्य प्रदेश के सीएम रह चुके हैं। नंबर 4, मनोहर लाल खट्टर। खट्टर जी हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। नंबर 5, एच डी कुमारस्वामी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवगौड़ा के बेटे हैं, जो कर्नाटका में 2 बार सीएम रह चुके हैं। नंबर 6, जीतन राम मांझी। ये हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के फाउंडर भी हैं और 2014 से 2015 तक बिहार के सीएम भी रह चुके हैं। नंबर 7, सोर्बानंदा सोनोवल साल 2016 से लेकर 2021 तक आसाम के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। इन 7 चीफ मिनिस्टर में से आप किसको पसंद करते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।